सो ये गाइस, दिस इज आशीष और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल एड्रिनो टेक्निको। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नए MIUI 11 अपडेट के बारे में, जो कि आ चुका है Redmi Note 7 Pro के ऊपर। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि MIUI 11 के आपके अंदर न्यू क्या फीचर्स देखने मिलते हैं MIUI 10 के कंपेयर में, और क्या ये जो बीटा वर्जन रोम का अभी मिला है वो स्टेबल है या नहीं। तो गाइस, बिना किसी तरीके इस वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। मैं हूँ आशीष और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एड्रिनो टेक्निको। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे यूनिवर्सल डार्क मोड की। जैसे कि आपको वीवो ओप्पो रियलमी फोन्स के ऊपर डार्क मोड नया यहाँ पे देखने को मिला था कुछ दिन पहले, इसी तरह यहाँ पे रेडमी ने भी एक डार्क मोड यूनिवर्सल वाला यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, जिसकी मदद से आप इंस्टाग्राम, गूगल वगैरह जितनी भी यहाँ पे क्रोम वगैरह जितनी भी ऐप्स होती है उनके अंदर आपको एक सिस्टम वाइड फोर्स डार्क मोड देखने को मिलता है, जिसकी मदद से जो सिस्टम का जो व्यू होता है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज हो जाता है और काफ़ी अच्छा यहाँ पे सिस्टम आपको देखने को मिलता है। गाइस, अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरे सेटिंग के बारे में। तो यहाँ पे जो कॉल की ऐप थी, जितनी भी फाइल वगैरह की ऐप थी, उन्हें यहाँ पे नई तरह से ऑप्टिमाइज़ किया गया है। उनके अंदर यहाँ पे नए नए कुछ सेटिंग और आइकन्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, जिससे जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गया है। गाइस, अब बात करते हैं सेटिंग मेन्यू की। तो यहाँ पे जो सेटिंग मेन्यू है उसे भी यहाँ पे जो सैमसंग का वन UI आता है उस तरह यहाँ पे थोड़ा सा उसको डिज़ाइन किया गया है, काफ़ी यहाँ पे उसको फ्लूइड बनाया गया है। और यहाँ पे डिजिटल वेलबींग करके गूगल की तरफ से एक चीज़ आती है, एक सिस्टम सेटिंग्स आती है, जिससे आपको पता चलता है कि आप डेली आपका यूसेज कौन सी ऐप का, वो यहाँ पे अब ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे मुझे ये सबसे बड़ा अपडेट लगा इस UI के अंदर। अब गाइस, बात करते हैं आपको कैमरा इंप्रूवमेंट्स में क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो मैंने दो फोटोज यहाँ पे कुछ क्लिक करके देखी थी कल रात को, और मुझे यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा कैमरा के अंदर चेंजेस देखने को नहीं मिलते, लेकिन जो लेआउट है और UI है कैमरा का वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। अगर आप वीडियो के अंदर जाते थे तो पहले आपको सेटिंग्स के अंदर जाके वीडियो का जो रिजोल्यूशन है, फ्रेम रेट है, वो चेंज करना पड़ता था, लेकिन इस सेटिंग में आप डायरेक्टली 1080p 60fps 720p 120fps डायरेक्टली आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहां पे जो स्लो मोशन पहले आपको वीडियो में जाके ऑन करना पड़ता था, अभी वो स्लो मोशन को यहां पे MI ने अलग से प्रोवाइड कर दिया है। तो स्लो मोशन का पूरा जो टैब है वो यहां पे आपको अलग से देखने को मिल जाता है। उसके अलावा यहां पे मुझे कैमरा के अंदर कोई स्पेसिफिक सेटिंग्स नहीं मिले। अब बात करते हैं गाइस गैलरी की। तो यहां पे आपको 1 month व्यू मिल जाता है, जिसकी मदद से आप फोटोज को जूम और क्लोज करके पूरी तरह से देख सकते हैं कि फोटो का जो व्यू है उसे आप चेंज कर सकते हैं, जिससे आपको जो फोटो फाइंडिंग आपका एक्सपीरियंस होगा, पुराने फोटोस आपको अगर ढूंढने होंगे अपने फोन पे तो वो आप यहाँ पे काफी इजीली फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे बात करते हैं हम फेस अनलॉकिंग की। तो वो फेस अनलॉकिंग जो है मुझे काफी ज्यादा इंप्रूव लगा MIUI 10 के कंपेयर में। MIUI 10 में थोड़ा सा लैग देखने को मिलता था, लेकिन MIUI 11 बीटा वर्जन जो अभी आया है उसमें जो फेस अनलॉक है वो थोड़ा सा फास्ट मुझे यहाँ पे लगा। तो ये भी एक काफी बड़ा चेंज यहाँ पे MI की तरफ से देखने को मिला है। गाइस, अब बात करते हैं यहाँ पे डेली बेसिक एप्स की, जो यूटिलिटी एप्स होते हैं उनमें यहाँ पे आपको क्या चेंजेस देखने को मिले। तो यहाँ पे जो कंपास की ऐप है उसे थोड़ा सा यहाँ रीडिफाइन किया गया है, और कैलकुलेटर के अंदर आपको एक नया फीचर मिलता है कि कैलकुलेटर को आप विंडोज़ में, जैसे एक विंडो होती है जहाँ पे आप कैलकुलेटर को मिनिमाइज करके कहीं पे भी रख सकते हैं, तो उसी तरह यहाँ पे MI के अंदर भी आपको ये अपडेट देखने को मिल रहा है। तो अगर आप ड्यूअल ऐप्स यूज़ करते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं, तो उस चीज़ के अंदर आपको ये ऐप थोड़ा सा फ़ायदा देगा। और जितने सारे यहाँ पे ऐप्स हैं जैसे साउंड रिकॉर्डर हो गया, उन्हें भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ किया गया है, जिससे सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गई है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और माइनर चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि जो पुराने बग्स थे क्रोम ऐप के अंदर वो यहाँ पे रीडिफाइन किए गए हैं। तो ओवरऑल जो सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंपेटेबल और स्टेबल बन चुका है। तो गाइस, यही था मेरी आज की वीडियो के लिए। मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और आप क्या सोचते हैं इस नए MIUI 11 के बारे में मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स के ऊपर। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय टुडे वीडियो। आई होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर।